आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, एलडीए को भनक तक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों के बावजूद भी अवैध निर्माण थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ से सामने आ रहा है। बता दें कि बीबीडी थाना के अंतर्गत उत्तर धौरा ग्राम सभा लखनऊ पार्श्वनाथ के पीछे हो रहे अवैध निर्माण का है, जो कि धड़ल्ले से जयराम जालोर व आशुतोष खरे के द्वारा बिना एलडीए के परमिशन व बगैर नक्शे के चल रहा है। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने एलडीए से की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज जब स्थानीय निवासियों ने फिर से प्लाटिंग के साथ डामर रोड बनाने की तैयारी को देखा, पार्श्वनाथ के ब्लॉक सी व डी के बीच बाउंड्री वॉल को गिराकर रोड बनाने की बात सुनी, तो फिर से स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एलडीए से की, जिसके बाद तुरंत एलडीए ने स्थानीय निवासियों के कहने पर जोन ए के जेई को साथ भेजकर मौके पर मुआयना करने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे जेई ने देखा तो अवैध निर्माण चल रहा था। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता ध्यानेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हैदराबाद सीमेंट स्कूल के पीछे, पार्श्वनाथ के पीछे, ध्यानेश सिंह ठाकुर। यहाँ पे लखनऊ में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पार्श्वनाथ के पीछे बिना नक्शा के और अवैध निर्माण और बिना परमिशन के हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये पार्श्वनाथ सिटी कॉलोनी है, जो पार्श्वनाथ बिल्डर के द्वारा बनाया गया है, और ब्लॉक बी और ब्लॉक सी 3-4 बीघा जमीन है, उसमें अवैध प्लाटिंग की जा रही है। किसके द्वारा? जो कोई मिस्टर जलान के द्वारा की जा रही है, यही बताया जा रहा है। और इनकी कोशिश ये है कि कॉलोनी के जो ब्लॉक डी है और ब्लॉक सी है, इसके बीच से रोड निकाल देंगे और इलीगल तरीके से रास्ता निकल देंगे। कितने दिनों से निर्माण ये करीब निर्माण इनका करीब 4-5 महीने से चल रहा है। जब से निर्माण शुरू हुआ, हम लोग निरंतर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को और मंडल आयुक्त महोदया को हम लोगों ने लिखित में शिकायत दिया, उसकी रिसीविंग कापी है। हम लोग मिले भी हैं, 24 तारीख को भी हम लोग मिले थे, तो वीसी साहब ने तुरंत इसके लिए स्थल रिपोर्ट मांग लिया था। लेकिन 25 और 26 को देखा गया कि पिस बनाने की तैयारी हुई है, डामर रोड बनाने की तैयारी हो रही है। तो आज पुनः हम लोग गए वहाँ पर, तो वहाँ गए तो वीसी साहब ने तुरंत जोन एक के जो भी AEJ थे उनको बुला लिया और कहा कि आप साथ में जाकर देखिए क्या स्थिति है, हमको तुरंत बताइए। परिवर्तन जील जोन के जो AE और JE हमके साथ हम ही लोग के साथ आए, स्थल को देखकर बड़ा अचंभित हो गए। और फोन के द्वारा जो इनके कर्मचारी कोई वैभव पांडे थे, उनको वो मिले स्थल पर, पूछा आपका नक्शा कहाँ है। फिर उन्होंने मिस्टर जलान है कोई, उनसे बात कराया। मिस्टर जलान ने कहा कि फ़ोन पर कि उनका नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण में अप्लाई किया हुआ है, अप्रूवल नहीं है जी। तो उन्होंने कहा बिना अप्रूवल का कैसे बना लिए इतना। तो उन्होंने कहा कि अब काम आज से तुरंत रुक जाना चाहिए। हमारे समझ से काम रुक भी गया है, सब ये हटाने के आश्वासन दिए हैं और 1-2 दिन में उनके द्वारा कोशिश कर जाएगी और ध्वस्तीकरण का कार्रवाई आरम्भ जैसा बताया गया है। आगे का कार्रवाई जो है ये लखनऊ में कार्य चल रहा है, और जो अवैध रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी रोक लगाने के लिए एक तरफ LDH से सारी चीजें रोकने के लिए उन्होंने बोला है, और एक तरफ जो है लगातार निर्माण जो है बिना नक्शा के ही चल रहे हैं। यह ग्राम उत्तर धौना के खसरा नंबर 392 और 393 खसरा नंबर के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग।